हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ टीएनपी इंडिया में आज की 10 बड़ी खबरों से। हम आप लोगों को दुखाएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चार्टर फ्लाइट की भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी से उनसे बातचीत कर तबीयत का हालचाल लिया। सोनिया ने पीएम को बताया कि उनकी सेहत अभी ठीक है। भारी बारिश के चलते महाराष्ट्र के रायगढ़ में चट्टान खिसकने से 48 घर तबाह हो गए हैं। हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है, जबकि 75 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 125 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात भारी बारिश से बहुत अधिक तबाही हुई है। किन्नौर जिले के अलावा शिमला में रोहड़ो और रामपुर में भी रात भर बारिश हुई है। इससे सांगला के कामरू नाला में फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से एक दर्जन गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं ठियोग में शिरालू में भी NH5 लैंडस्लाइड के बाद अवरुद्ध हो गया है। एशियन गेम्स के ट्रायल में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को छूट देने पर पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने कहा कि उन्होंने कुश्ती में ये प्रथा खत्म कर दी थी। महिला रेसलर के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे ब्रिजभूषण ने कहा कि हॉक कमेटी के फैसले से दुखी हूँ, ये फैसला इस देश की कुश्ती को गर्त में ले जाएगा। CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच में पूछताछ के लिए फैशन मॉडल मुनमुन धमीचा को समन भेजा है। मुनमुन धमीचा वही महिला है जिसकी आर्यन खान के साथ क्रूज शिप पर गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा के सिरसा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां घग्गर नदी का जलस्तर लगातार 50,000 क्यूसेक से ऊपर चला गया है। ऐसे में सिरसा, रानिया, ऐलानाबाद के साथ साथ 49 गाँव पहले ही खतरे में है। अब रंगोई नाले ने भी इस खतरे को बढ़ा दिया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस जियो फाइनेंशियल सर्विस 20 जुलाई को अपनी मूल कंपनी से अलग हो गया है। डिमर्जर के बाद प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म के तहत जियो फाइनेंशियल के शेयर का भाव 261.85 रुपए तय हुआ है। साउथ कोरिया में तैनात अमेरिका का एक सैनिक 18 जुलाई को बॉर्डर पार कर नॉर्थ कोरिया चला गया है। यहां उनके तानाशाह किम जोंग उन के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। वहीं जानकारी के मुताबिक ट्रेवस किंग नाम का ये सैनिक साउथ कोरिया में भी मारपीट के आरोपों के चलते 2 महीने जेल में काट चुका है। उसे जल्द ही अमेरिका वापस भेजा जाना था। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में विमेंस फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही गोलीबारी हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फायरिंग में पुलिसकर्मी के साथ 6 लोग घायल बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक फायरिंग करने वाले व्यक्ति की भी मौत हो गई है। अमेरिका ने चीन की वुहान वायरोलॉजी लैब को फंड देने पर रोक लगा दी है। ये फंडिंग रिसर्च वर्क के लिए दी जाती थी। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इससे जुड़ा बिल संसद में भी पास कर लिया है। चीन पर आरोप है कि उससे COVID-19 के लीक के मामले में जुड़े डॉक्यूमेंट्स मुहैया नहीं कराए और सेफ्टी मेजर्स को भी फॉलो नहीं किया। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए TNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।